फ्रेंड, वेलकम बैक सुकून ब्लॉगर में दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे अपने घर में। तो चलिए, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। तो जैसे डेली का रूटीन है वैसे ही चलते हैं, दूध का चाय बनाने, नींबू का भी बना सकते हैं। लेकिन और ये देखिए, मेरा दोनों बाबू सोया हुआ है अभी, तो चलते हैं पहले चाय बना के पीने, क्योंकि सुबह सुबह मेरा नहाना हो गया और पांचवा दिन में व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना है। तो ये देखिए, मैंने व्हाइट कलर का पहन लिया है। मेरे पास और भी ड्रेस थे लेकिन यही पहने सूट। तो पहले चाय बनाते हैं। तो मैंने दूध देखिए यहाँ पे निकाल लिया है। ये रहा इसमें हमारा दूध। तो अभी चलते हैं पहले चाय बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरा चाय बन गया रेडी और हम चले चाय पीने। तो मेरा मोबाइल हो गया है डिस्चार्ज, तो पहले मैं इसे चार्ज कर लूं, उसके बाद ही तो वीडियो शूट कर सकती हूँ ना। तो पहले चार्ज। मेरी रानी का हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस को भी बोल दे। वाह, देखिए कैसे सो रही है मेरी पुचू पुचू, है ना छुना? चलो उठो जल्दी से, नहीं उठेगी, पढ़ाई नहीं करेगी। भैया देखो पढ़ने बैठा, देखो इधर देखिए, मतलब गैस पे खाना चढ़ा दिए, एक साइड चावल भी हो रहा है और इधर आलू बॉईल करने के लिए दिए हैं, क्योंकि बॉईल करके सब्जी बनाएंगे, उसके बाद फिर दाल बनाएंगे और नाश्ता के लिए क्या बनाते हैं देखते हैं। अभी पता है क्या हुआ, अभी हम अपने हस्बैंड को चाय देने गए तो पता है क्या बोलते हैं, जरूर कोई बात है, इतना प्यार से चाय दे रही हो तो हम उनको प्यार से चाय कभी ना देने वाले। बड़ा अब बोलते हैं कोई काम पक्का करवाओगी, ऐसा तो लगता है कि नहीं करके दे सकते, कौन करके देगा, वो नहीं करेंगे तो हाँ वही करेंगे, है ना? तो चाय भी पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि जरूर कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हे फ्रेंड, तो आज नाश्ते में बच्चा बोला कि मम्मा जीरा आलू बना दीजिए, तो ये देखिए जीरा आलू बना रहे हैं। और ये देखिए इधर आलू वही करके रखे हैं जो इसका सब्जी बनाएंगे। ये देखिए ये हो ही गया लगभग। और ये जो आलू जीरा है, ये जो मेरे बाबू है उनके भैया सिखाए थे, बनाना मुझे आता नहीं था तो इनके भैया सिखाए हैं मुझे आलू जीरा बनाने, जो कि अच्छा लगता है गरम गरम, इसमें मिर्ची डाल के जो सूखा वाला होता है उसको भून करके अच्छा लगता है खाने में, तो मैं भी खाती हूँ। तो इसमें हम और मेरे दोनों बच्चे, मतलब दोनों तीनों मिलकर खाएंगे, मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे क्योंकि उनको बहुत लंबा टाइम लगेगा, तब तक आलू ठंडा हो जाएगा। और आलू ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, बॉइल करके ऐसे भी खा लेते हैं नमक मिर्ची के साथ। ये देखिए मेरा आलू जीरा हो जाएगा। पता नहीं मेरा किचन का टाइल्स कब लगाएगा, पता नहीं, अब देखते हैं। कल आया था काम करने लेकिन फिर वो चला गया, मेरे यहाँ से बिजली कनेक्शन जोड़कर लगाया नहीं, झूठ बोलकर चला गया। आज देखते हैं कब लगाता है, आज हो सकता है लगाए या लगाए या नहीं लगाए, देखते हैं। तो पहले तो चलते हैं आलू जीरा खाने तीनों मिलकर, उसके बाद खाना बनाएंगे सब्जी। ये रहा मेरा आलू जीरा, तो इसे अब चले खाने, है ना बेटा? तो पहले खा लेते हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के नीचे। चल गेट को लॉक करो, इधर लॉक करो। ये देखिए मेरा आलू जीरा बहुत टेस्टी लगेगा, चलो। अरे ये पाले पाले नहीं, हम मेरे लिए भी रहने देना। ये देखिए आलू जीरा, ये अब भी खाइएगा। तो आज बच्चों का स्कूल छुट्टी है, छुट्टी नहीं पेरेंट्स मीटिंग है, तो आज दोनों का देखिए आप पढ़ाई के साथ साथ इधर क्या हो रहा है। ये गेम भी चल रहा है क्या? है? और इधर पूजा भी हो रहा है,
तो चलते हैं हम रोटी बनाने। फ्रेंड्स तो हस्बैंड चले गए, और देखिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा है। तो अभी हम भी चलते हैं नाश्ता करने, उसके बाद फिर सोएंगे या फिर स्कूल भी जा सकते हैं, क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग है तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। तो अभी पहले चलते हैं नाश्ता करने। तो गाइज आए हैं स्कूल, पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। तो अभी पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं स्कूल। पेरेंट्स मीटिंग से आ गए घर, बहुत टाइम लग गया, उसके बाद घर आए तो अभी जाते हैं खाना बनाने। अभी तो खाना बनाने का टाइम हो गया है, और मेरा किचन का टाइल्स नाप कर ले गया था कि कितना टाइल्स लगेगा, लेकिन कोई कटिंग वटिंग नहीं किया, तो अभी टाइल्स लगेगा नहीं, पता नहीं कब लगाएगा मेरा किचन में टाइल्स। क्या पढ़ाई होगा? आए क्या ऐसे देख रही हो, किसको सही से लिखो। तो हमारा रात का भी खाना हो गया फ्रेंड, पूरा दिन का वीडियो शूट नहीं कर पाए थोड़ा दिन, क्योंकि कुछ कुछ हो जा मतलब हर कुछ वीडियो में नहीं बना पाए, क्योंकि कुछ काम कर रहे थे। अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है तो इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाए, थोड़ा बाहर भी चले जाते हैं कभी कभी तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो अभी शाम का खाना हो गया, और सब लोग बाबू और हस्बैंड खा रहे हैं, और हमने खा लिया। तो अभी किचन साफ करके बेड लगाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और मेरे ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।